नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 गणित से इकाई 8 प्रश्नावली देखेंगे। तो 8 ए वर्ग समीकरण, ठीक है। इस प्रश्नावली में जो भी सवाल दिए गए हैं वो हम कंटिन्यू हल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, सभी सवालों को सही से समझें। तो करते हैं प्रारंभ। ये वर्ग समीकरण होते क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बराबर हमने के लिख दिया है यहाँ पे, ये आपके एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण में होता क्या है, अधिकतम घात आपके लिए दो ही मिलेगी, ठीक है। इसमें जो अधिकतम घात है वो दो है, तो ये हमारी एक वर्ग समीकरण है। यहाँ पर एक्स का मान हमें क्लियर करना पड़ता है, और हमेशा ध्यान रखना एक्स का मान निकालने के लिए इधर से जब आप ये वर्ग हटाते हैं ये वाला, तो उधर जाके इसका रूट लग जाता है के, ठीक है। के आपका एक स्थिरांक है, एक पद है, चर पद कह देंगे इसके लिए। और ये जो एक्स और वाई जो भी होते हैं सवाल समीकरण में, वो हमारे अचर पद कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें हमें आना क्या चाहिए, पहले या तो हमें एक से लेके 20 तक के वर्ग और वर्गमूल जो निकलते हैं संख्या को, वो हमें याद होना चाहिए। जैसे कि हम 12 का यदि वर्ग पूछेंगे तो 144 बताओगे, और वहीं 144 का वर्गमूल हम पूछेंगे तो आप 12 बताओगे, ठीक है। ये हमें संख्याएं आना चाहिए। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है। तो ये हमें सभी संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए, और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो इसका पहला सवाल देख लेते हैं कैसे हमें हल करना है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसमें एक्स के दो की घात लगी हुई है। इसको क्या करना होता है, हमें एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर का निशान यहाँ रखेंगे, उधर जाके 49 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो माइनस का निशान है इधर जब हम लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे बराबर के कोई भी पद लेके जाते हैं वो चेंज होता है, गुणा में गुणा के निशान तो उधर भाग में जाएगा जाएगी संख्या, और इधर जोड़ में है तो उधर घटाया में जाएगी संख्या। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। अब एक्स की जो स्क्वायर इसका हटाएंगे तो प्लस माइनस इसमें जाकर रूट लग जाएगा, ठीक है, 49 का। तो एक्स बराबर प्लस माइनस जो आपका है वो 7 × 7 हो जाएगा, और एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6। ये आंसर आपका इसमें आ जाएगा।